इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका अडाप्टर ये प्लग इन है और ये लाइट जो है ना इसकी वाइट ऑरेंज इस तरह ही ये प्रॉब्लम आ रही है इसको। तो ये जैसे ही इसका बटन पुश करते हैं इसको पावर वाला, तो ये ऑन नहीं हो रहा बिल्कुल ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, आज फिर एक नए इन्फो साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये HP का लैपटॉप है, प्रोबुक है 4530S। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका अडाप्टर ये प्लग इन है और ये लाइट जो है ना इसकी वाइट ऑरेंज इस तरह ही ये प्रॉब्लम आ रही है इसको। तो ये जैसे ही इसका बटन पुश करते हैं इसको पावर वाला, तो ये ऑन नहीं हो रहा बिल्कुल ही, ठीक है। फ्रंट के ऊपर किसी किस्म की लाइट नहीं इसकी ऑन हो रही, ये बटन पुश कर रही हैं तो ये टर्निंग ऑन नहीं हो रहा, कंप्लीट डेड है इस टाइम, डेड कंडीशन में इससे। तो ये चीज़ चेक करेंगे, तो सबसे पहले तो ये चीज़ चेक कर लेंगे इसका अडाप्टर जो है ना, कई दफ़ा वोल्टेज कम कर जाता है तो अडाप्टर जो है ना हम दूसरा लगा के चेक कर वेरीफाई कर लेंगे, पहले चेक कर लेंगे उसके बाद जो है ना इसको ओपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो इसका अडाप्टर पहले जो है ना वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। अरे ये बिस्मिल्ला, ये अडाप्टर दूसरा लगाते हैं हम, ठीक है। ये दूसरा अडाप्टर लगाया है तो इसको ऑन करते हैं, ये चेक करें लाइट इसकी स्टिल हो गई है, पहले वाइट और ऑरेंज वाला ब्लिंक हो रही थी, स्टिल हो गई है। तो ये साथ ही बटन जो है ना पुश किया है तो ऑन हो गया। वो प्रॉब्लम ये जो ब्लिंकिंग का था इशू, ये तो अडाप्टर का प्रॉब्लम निकला है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आगे जो है ना हार्ट का भी एरर है, तो हार्ट का एरर भी इसका जो है ना दूर करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जो हार्ट है ना वो हम निकाल के तो उसकी हेल्थ और परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे, उसकी हेल्थ और परफॉर्मेंस क्या है, उसके बाद जो है ना इसकी दूसरी चीज़ें चेक करेंगे। क्योंकि पहले तो हार्ट का जो एरर आ रहा है वो क्लियर करेंगे हम पहले। तो बिस्मिल्ला, ये प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ अडाप्टर की ही निकली है, अडाप्टर का ही ये इशू था जिस वजह से ये इशू कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।